आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय में रेल प्रबंधक के द्वारा अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की जा रही है एवं रेलवे सीमा पर निर्माणाधीन मकानों को जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया गया है, जहां अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का कायाकल्प किया जाना है, जिसके चलते रेल सीमा अंतर्गत सभी निर्माणाधीन मकानों जमींदोज करने की कार्यवाही की गई है। इस दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में दर्जनों मकानों को चिन्हित किया गया है। साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में अभी 7 मकानों को जमींदोज किया गया है। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान रेलवे विभाग के अधिकारी कर्मचारी, रेल सुरक्षा बल एवं स्थानीय प्रशासन SDM, तहसीलदार RI सहित बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस बल, रेलवे पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण स्थल पर मौजूद रहे। पीसी उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। आज उमरिया रेलवे स्टेशन के कैंपस में कुछ जो मकान बने हुए थे उनको रेलवे विभाग के द्वारा हटाने की कार्रवाई की जा रही है और कानून और व्यवस्था न बिगड़े इस हैसियत से हम लोग यहाँ पर कई सालों से रह रही थी। स्वयं का घर था, स्वयं का सब चीज था, किसी ने कोई आदेश नहीं, कोई वो नहीं, पैसा खा के लोग तुड़वा रहे हैं। सवेरे से आज हम लोगों का यहाँ धरना हो गया था कि शायद मोहलत दे दे, तो पूरी सामान चीज सब गली में आ गया है। प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं, जिससे बात कर रहे हैं वही यहाँ से वहाँ नाच रहे हैं, जा रहे हैं। अब हो गया, सब पूरा घर तोड़ गए हैं, अब रास्ते में आ गए हैं। प्रशासन से यही निवेदन थी कि आज का समय दे देते तो कल तक में हम अपनी व्यवस्थाएं कर लेते, अपना जो भी सामान रहता तो हम अपना लेके चले जाते, तो वो कुछ ना सुने ना बोले और ला के बस JCB और पुलिस कर्मचारी जितने भी रहे तो सब थोड़ा। शादी होके यहीं पे आई थी मैं, इसी घर में दुल्हन बन के आई थी सर। मैं 43 साल पुराना मकान है मेरा यहाँ पे, मैं 32 साल से खुद रह रही हूँ मैं। मेरी सास मतलब दादी उनने अपने हाथ से रगड़ रगड़ के इस मकान को बनाया सर। पट्टे की जमीन है मेरी, मैंने खरीदा था ये मकान। आज आज ठीक है मेरा अचानक प्रशासन ने आके मेरा पूरा मकान ध्वस्त कर दिया है। इतना समय भी नहीं दिया है कि हम अपनी पूरी गृहस्थी निकाल सके, आज हमें बेघर कर दिया है। 40 साल पुराना यहाँ पे जो भूमि थी रेलवे की और मध्य प्रदेश शासन की, ये दोनों पे यार बहुत समय पे इस पे विवाद चलता रहा कि ये मिलजुल की भूमि है या अवैध कब्जा करके रखे थे। ये लोग कोर्ट में केस 2 बार हार चुके हैं। स्टे भी इनका जो है अवैध हो गया, वो भी खारिज हो गया है। आज उस प्रक्रिया के तहत इनको प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रॉपर नोटिस दिया गया, इनको मार्किंग किया गया। 11 तारीख को ये हम लोगों के पास में खारिज का आया, इनको पूर्ण समय मिला। आज जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आज हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे पक्के मकान थे करीब 40-50 मकान, उसमें ज्ञान गंगा कॉलेज और हमारे राइस अग्रवाल, यहाँ पे एक भोजनालय है, मतलब कुल मिला के 50 पक्के मकान थे जो बहुत ही पुराने वर्षों से बने हुए थे। इनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रेलवे विभाग द्वारा आज इसको तोड़ा जा रहा है और ये कार्रवाई निरंतर रहेगी जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है। आज यदि कार्य पूरा नहीं होता है, वैसे कोशिश संभावना है कि हम लोग आज इसको खत्म कर देंगे और जो हमारी रेलवे भूमि है वहाँ पर हम लोग अपना बाउंड्री वगैरह पोस्ट लगा देंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारे समक्ष में हमारे एजेंट महोदय हैं रेलवे से और सामान्य प्रशासन जो हमारा लोकल मध्य प्रदेश शासन बनने के बाद तालाब हुआ और अचानक एक किसी एक व्यक्ति के नाम से ये जमीन हो गई। बाद में कालांतर के पश्चात ये हुआ कि ये जो जमीन है ये राजेश अग्रवाल के नाम से ये बिक्री हो गई। जब ये इसमें बिक्री हो गई जैसे राजेश नाम के नाम से अग्रवाल, क्योंकि वो रेलवे की जमीन थी तो रेलवे ने अपना पक्ष शुरू कर दिया कि हमको जमीन चाहिए। इसी दौरान ये पूरी कार्यवाही चलती रही और वर्ष 2013 में यही उमरिया कलेक्टर ने इसको मध्य प्रदेश शासन घोषित कर दिया। ये 1334 खसरा नंबर है जो कि वर्तमान समय में तालाब है, तालाब हो चुका था रेलवे के हिसाब से। और जो बुरा जो संहिता है उस संहिता के प्रोविजन ये है कि तालाब, चरगाह और शमशान भूमि को किसी भी प्रकार से बिक्री नहीं की जाती।
तो जब ये तालाब की भूमि बिक्री हो गई तो तत्कालीन जो वहाँ के SDM थे उन्होंने रिकॉर्ड सुधार किया और रिकॉर्ड सुधार में कहा ये जो प्रविष्टि हुई है गलत उसको काट दिया। इसके बाद रेलवे अपनी जमीन को लेने के लिए करीबन 15 से 20 साल पूर्व उमरिया के व्यवहार न्यायाधीश के यहाँ मामला लगाया, मामला लगा। मामले में रेलवे इसको जीत गई, 1334 ये माना गया 4.74 एकड़ जमीन वो जो है रेलवे की है। इसके बाद इन्होंने अपील की, अपील करने में जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, वो जिला न्यायालय में भी ये मान लिया गया कि ये जमीन रेलवे की है। और उसके बाद जो व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग ने जो अगस्त में फैसला किया था इसी वर्ष अगस्त में, और ये जनवरी में फैसला हुआ, करीबन 4 माह का समय इन लोगों के पास था और ये अच्छे से जानते थे कि ये जमीन जो मध्य प्रदेश शासन की है रेलवे की। इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, रेलवे जो है न्यायाधीश का फैसला आने के बाद, जिला न्यायाधीश का फैसला आने के बाद विधिसंगत जो उनके पास नियम कानून है उसके तहत जो उनके संपदा अधिकारी हैं जो प्रोविजन है उनके तहत मुनादी कराई, इनको नोटिस दी गई, लाइनिंग कराई और इसके बाद जो आज कार्रवाई की जा रही है वो पूर्णतः विधिसंगत है, कहीं पे भी इसमें विधि की कोई आज एक कार्रवाई की गई है। वो चूंकि ये भूमि जो 1334/1 है रेलवे की भूमि थी, इसमें वर्ष 1992 से एक प्रकरण लगातार सिविल न्यायालय में चल रहा था, इसके परिप्रेक्ष्य में एक डिक्री पारित हुई है। डिक्री के उपरांत रेलवे की जो उपरोक्त भूमि है उसको आज हटाया जा रहा है और इसमें हम सब शांति व्यवस्था को लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं और शांतिपूर्वक ये अतिक्रमण छोड़ने की कार्रवाई लेके जारी है। इसके साथ ही कल नजूल के कुछ दो मकान जो नजूल के अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाए जा रहे थे, तो हमारी जो तहसीलदार श्री विनोद वर्मा और इनकी राजस्वी टीम द्वारा वो भी तोड़े गए हैं और निश्चित तौर पर भविष्य में और भी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई है उनमें तोड़ने की कार्रवाई है।